हेलो नमस्कार दोस्तों, टेक चैंपियन किंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, दोस्तों यदि आप प्ले स्टोर से व्हाट्सअप को डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो दोस्तों आज मैं आपको कुछ ऐसी सेटिंग बताऊंगा जिस सेटिंग को करने के बाद दोस्तों आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। दोस्तों आपको वीडियो को बिल्कुल ध्यान से समझना है। दोस्तों आज मैं आपको 3-4 ऐसी सेटिंग बताऊंगा जिस सेटिंग को करने के बाद दोस्तों आप प्ले स्टोर से दोस्तों व्हाट्सअप को डाउनलोड कर पाएंगे, तो ध्यान से समझना है। अब दोस्तों उससे पहले काम कर लेना है, जो चैनल पर नए आए हैं वीडियो के नीचे एक लाल कलर का बटन होगा उसको काला कर देना है, नोटिफिकेशन को ऑल कर दें। दोस्तों इससे क्या होगा, जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचाया करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब दोस्तों आपको सबसे पहले अपने प्ले स्टोर को इस तरीके से ओपन कर लेना है। दोस्तों यहां पर पहले मैं आपको एग्जांपल के तरीके से बता दूं, जैसे आप दोस्तों यहां पर अपनी व्हाट्सएप को दोस्तों डाउनलोड करते हो, ठीक है। आप जब यहां पर दोस्तों व्हाट्सएप लिखते हैं, जब आप इसको ओके करते हैं दोस्तों यहाँ पर ऐसा ऑप्शन आ जाता है इंस्टॉल का, ठीक है। जब आप दोस्तों इसको इंस्टॉल करते हैं दोस्तों आपके सामने गोल गोल घूमता रहता है, लेकिन दोस्तों आपकी व्हाट्सअप डाउनलोड नहीं होती है। तो दोस्तों आपको वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देख लेना है दोस्तों 100%। दोस्तों आज मैं आपको इसका सोल्यूशन बताने वाला हूँ, तो ध्यान से समझना है, ठीक है। अब आपको दोस्तों इसको अभी कैंसिल कर दें, पहले आपको दोस्तों सेटिंग कर लेनी है अपने प्ले स्टोर में। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करना है। अब दोस्तों आपको प्ले स्टोर के सेटिंग में आना है पहली बात तो, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत सारी सेटिंग देखने को मिलेंगी। दोस्तों सबसे ऊपर की साइड एक सेटिंग है जनरल के नाम से, ठीक है। आपको दोस्तों इसके सामने एक तीर का निशान सा होगा, आपको दोस्तों पहले तो इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों बहुत सारी सेटिंग खुल जाएंगी। अब दोस्तों अकाउंट एंड डिवाइस प्रेफरेंसेस पे आपको क्लिक करना है इस तरीके से, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर उसके नीचे ही ये बहुत दो सेटिंग मिलेंगे आपको पहले वाली सेटिंग के अंदर, क्लियर डिवाइस सर्च हिस्ट्री, क्लियर विश लिस्ट, ठीक है। आपको दोस्तों अपने प्ले स्टोर को पहले तो फ्री कर लेना है इस तरीके से, ठीक है। दोनों सेटिंग को आपको हटा देना है। अब दोस्तों पहले वाली सेटिंग में आपको ये वाली सेटिंग कर लेनी है। अब दोस्तों उसके नीचे ही एक ऑप्शन आ रहा होगा नेटवर्क प्रिफ्रेंसेस, ठीक है। आपको दोस्तों फिर इस तरीके से क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऐप डाउनलोड प्रिफ्रेंसेस। दोस्तों यदि आपका यहाँ पर अवर वाईफाई ओनली पर टिक हो रखा होगा या इस पर टिक हो रखा होगा, दोस्तों आपको ना सबसे ऊपर की साइड क्लिक कर देना है अवर एनी नेटवर्क, ठीक है। अब आपको ओके कर लेना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर ऑटो अपडेट ऐप्स का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको दोस्तों इस पर क्लिक करना है। डोंट ऑटो अपडेट ऐप्स पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब दोस्तों आपको नीचे की साइड आ जाना है ऑटो प्ले वीडियोस, ठीक है। आपको दोस्तों डोंट ऑटो प्ले वीडियोस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। आपको दोस्तों ये सेटिंग कर लेनी है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे की साइड एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अबाउट का, ठीक है। यहाँ पर आपको आ जाना है, इसके नीचे क्लिक कर देना है। यदि दोस्तों आपका जो प्ले स्टोर है नया वर्जन नहीं है प्ले स्टोर का, आपको दोस्तों इस पर क्लिक करके अपने प्ले स्टोर को पहले तो अपडेट कर लेना है, ठीक है। इससे भी आपके मोबाइल फोन में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। अब आपको दोस्तों बैक आ जाना है इस तरीके से, ठीक है। अब आपको तो फिर से दोस्तों अपने फ़ोन की जो प्ले स्टोर की सेटिंग पे आना है, यहाँ पर अपनी पिक पर ओके करना है। अब दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन है मैनेज एप्स एंड डिवाइस, ठीक है। आपको दोस्तों इस पर अपडेट अवेलेबल पर क्लिक कर देना है, ठीक है। दोस्तों यदि यहाँ पर आपका जो प्ले स्टोर है अपडेट हो रहा होगा अपने आप ही, ठीक है, तो दोस्तों आपको उसे पहले तो एक बार इस तरीके से करना है, ठीक है। आपको इस तरीके से कर देना है, ठीक है। जो आपका दोस्तों प्ले स्टोर अपडेट हो रहा होगा ना पहले, तो वो दोस्तों इस तरीके से रुक जाएगा, ठीक है। आपको फिर से इस तरीके से ही करना है कंटिन्यू, और दोस्तों फिर से आपको कैंसिल कर देना है, ठीक है। दोस्तों जो आपका प्ले स्टोर अपडेट हो रहा होगा ना, वो दोस्तों अब वो रुक जाएगा, ठीक है। जो भी दोस्तों एप्लीकेशन थी वो अपडेट हो रही थी, तो दोस्तों वो रुक जाएगी, दोस्तों आपका प्ले स्टोर काम करने लगेगा। अब दोस्तों आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों आपको अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग पे आना है। सेटिंग पे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है मैनेज ऐप्स या ऐप्स के नाम से एक ऑप्शन होगा, ठीक है। आपको दोस्तों उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके बहुत सारी एप्लीकेशन आ जाएंगी। दोस्तों यहाँ पर आपको अपने गूगल पे को, गूगल प्ले स्टोर है दोस्तों, वो आपको यहाँ पर ढूंढ लेना है, ठीक है। यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर। अब दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपको दोस्तों यहाँ पर स्टोरेज एंड कैच का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। दोस्तों आपको दोस्तों क्या काम करना है, इस पर क्लिक कर देना है, अपने गूगल प्ले स्टोर को यहाँ से क्लियर कर देना है, ठीक है। अब दोस्तों इतना काम करने के बाद, ठीक है, आपको क्या काम करना है, आपको बैक आना है। बैक आने के बाद दोस्तों आपको अपने प्ले स्टोर को फिर से ओपन कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर
आपको दोस्तों अब लिखना है व्हाट्सअप, ठीक है दोस्तों, लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ मैं, व्हाट्सअप को लिखना है और दोस्तों यहाँ पर आपको फिर से इंस्टॉल करना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर 100% दोस्तों इस सेटिंग को करने के बाद आपका व्हाट्सअप दोस्तों डाउनलोड होने लगेगा। ध्यान से देखना व्हाट्सअप मैसेंजर, अब दोस्तों देखो ध्यान से देखना दोस्तों होने लगा है। दोस्तों इस ट्रिक से दोस्तों आप अपने प्ले स्टोर से व्हाट्सअप को डाउनलोड कर पाएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, ठीक है दोस्तों। मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए इस चैनल पर लेकर आता रहता हूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए आपका दिन शुभ हो।